हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? सब ठीक हो? मैं राशिद मिर्ज़ा एक बार फिर आपका वेलकम करता हूँ। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट। आपको पता है कि इंडिया और बांग्लादेश का जो ट्रेड है ऑलरेडी, लेकिन इंडिया और चाइना का भी प्रॉब्लम चल रहा है। तो इंडिया ने और चाइना ने भी फ़ायदा उठाने की कोशिश की है और अपने नेबर्स को जो है ना, इंडिया के जो नेबर्स हैं, अपने नेबर्स को जो है ना, उनको जो कि बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ देना शुरू कर दी हैं। उसकी पहली जो रिपोर्ट आई है कि बांग्लादेश को 97% जो है ना, उसकी ड्यूटी फ्री एक्सेस दे दी है चाइना। चाइना ने बांग्लादेश को दिए कि उनको 0 टैरिफ मिलेगा और बांग्लादेश की जितनी भी प्रोडक्ट्स बांग्लादेश में चाइना में आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट होंगी, उनमें 97% जो है वो ड्यूटी फ्री जाएंगी। तो बहुत बड़े बड़ा स्टेप है, बहुत बड़ा स्टेप है बांग्लादेश की इकोनॉमी के लिए, और ये इंडिया को काउंटर करने के लिए आई थिंक चाइना ने किया है, और बाकी नेबर्स को भी वो अपने साथ मिलाने की कोशिश करेगा। आपको पता है कि वो बहुत बड़ी जो है इकोनॉमी है, तो वो जो है कोशिश तो करेगा, इंडिया भी अपनी तरफ से कोशिश करेगा। और मैंने सुना है कि इंडिया में चीज़ें स्टॉप कर दी जा रही हैं, चाइनीज़ प्रोडक्ट स्टॉप कर रहे हैं, चाइनीज़ एप्लीकेशंस, चाइनीज़ मोबाइल कंपनीज, एडवर्टाइजमेंट सब स्टॉप कर रहे हैं, आस्ता आस्ता बाइकआउट कर रहे हैं चाइना का। तो चाइना भी इस मामले में पीछे नहीं रहेगा, तो उसने बांग्लादेश को ऑफर की है 97%, मोर देन 5,000 आइटम्स बांग्लादेश की जो है ना, उसके ऊपर जो है 0 टैरिफ हो जाएगा। तो वो इधर से बांग्लादेश से इम्पोर्ट करेंगे चाइना में, ठीक है? तो पहले इनकी ट्रेड बहुत कम है, बांग्लादेश और चाइना की जो है ना, इतनी ट्रेड आपस में नहीं है ज़्यादा जितनी इंडिया और चाइना की है। तो चलिए वीडियो देखते हैं, उसमें थोड़ा जानते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि चाइना असल में क्या चाहता है बांग्लादेश से। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बांग्लादेश के पीएम भारत को घेरने के लिए चीन ने अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं और हमारे अड़ोसी पड़ोसी देशों को निशाना बनाने में फिलहाल चाइना लगा हुआ है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि भारत अड़ोसी पड़ोसी देशों से भी अच्छे रिश्ते रखता ही है और दुनिया के बड़े बड़े देशों से भी उसके रिश्ते अच्छे हैं। लेकिन दोस्तों, फिलहाल चीन ने बांग्लादेश को अपने हक में करने के लिए एक बहुत बड़ी छूट बांग्लादेश को दे दी है, और दोस्तों ये छूट कहीं भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में खटास ना डाल दे, इसके लिए बीजिंग ने बहुत बड़ा ऐलान आज बांग्लादेश के लिए किया है। दोस्तों, बांग्लादेश और चीन में बहुत बड़ी संख्या में ट्रेड नहीं होता है, बल्कि एक लिमिटेड अमाउंट में ही दोनों देशों में ट्रेड होता है। सालाना बांग्लादेश और चाइना के बीच करीब 15 से 16 बिलियन डॉलर के आसपास ट्रेड होता है, जिसमें बांग्लादेश करीब 15 बिलियन डॉलर का चीनी सामान चाइना से मंगवा लेता है, और इसी के ऑपोजिट बांग्लादेश सिर्फ आधा बिलियन डॉलर या फिर 800 मिलियन डॉलर चीन को अपना सामान बेचता है। लेकिन दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बांग्लादेश के पास आज एक इतनी बड़ी एक्सपोर्ट कंट्री बनने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, जिस तरह की छूट आज चाइना ने बांग्लादेश को दे दी है। दोस्तों, बांग्लादेश को अपने पाले में करने के लिए और भारत को सख्त मैसेज देने के लिए बांग्लादेश को आज चाइना ने एक बहुत बड़ा ऑफर दिया है, और दोस्तों ये ऑफर दिया गया है कि बांग्लादेश जो सामान चाइना को भेजेगा उस सामानों पर किसी तरह का भी टैरिफ चाइना नहीं लगाएगा। हालांकि दोस्तों, ये छूट जो बांग्लादेश को दी गई है ये सिर्फ नाम की ही है, क्योंकि 1 बिलियन डॉलर तक का भी ट्रेड का एक्सपोर्ट बांग्लादेश चाइना को नहीं करता है। लेकिन जैसे ही अब ये छूट दी है, तो जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश के साथ जो चाइना है वो अपना ट्रेड भी बढ़ाएगा ताकि भारत को घेर सके। लेकिन भारत और बांग्लादेश के आज रिश्ते इतने मजबूत हैं कि चाइना की इस ना देने वाली छूटें भी आज भारत बांग्लादेश के रिश्तों पर असर नहीं डाल सकेंगी। हालांकि फिलहाल बांग्लादेश के 8256 सामान ऐसे हैं जिनके ऊपर किसी भी तरह का टैरिफ नहीं लगेगा, और 97% तक जितने भी बांग्लादेश के सामान चीन को एक्सपोर्ट किए जाते हैं उन पर टैरिफ ड्यूटी नहीं लगेगी। परंतु ये उनके लिए बहुत अच्छा कदम है जो बांग्लादेश के व्यापारी हैं और अपना व्यापार चीन के साथ करते हैं। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि बांग्लादेश अब चीन के कर्ज जाल में भी धीरे धीरे फंसता जा रहा है। चीनी कंपनियों की एंट्री भी बांग्लादेश में हो रही है, और इसी के साथ ही चीनी आर्म्स की सेल भी बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेश में हो रही है।
लेकिन भारत को अब बांग्लादेश के साथ रिश्ते तो बेहतर करने ही हैं और बांग्लादेश को भी समझाना होगा कि चीन के जाल में ना फंसे जिस तरह से श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल फंसे हुए हैं। वही दोस्तों देखना होगा भारत इस पर क्या रिएक्ट करता है, लेकिन बांग्लादेश ने जिस तरह से आज अपना पाला बदला है और चीन को एक बहुत बड़ा धन्यवाद टैरिफ छूट देकर उन्होंने जो किया है, उसके बाद जरूर बांग्लादेश अपने रिश्ते चीन के साथ गहरे कर सकता है। लेकिन देखना होगा कि आखिरकार बांग्लादेश भारत के साथ अपनी मित्रता बढ़ाकर समझदारी दिखाता है या फिर चीन के साथ अपनी मित्रता बढ़ाकर ना समझी की बातें ओढ़ाता है, देखना होगा। ओके, तो ये एक वीडियो था जी, चाइना ने ऑफर किए बांग्लादेश को 97% फ्री, टैक्स फ्री, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट्स की। तो अगर बांग्लादेश के ने फायदा उठाना चाहा तो बांग्लादेश इससे फायदा उठा सकता है, और उसमें अगर एक्सपोर्ट्स कम है, लेस देन $1 बिलियन हैं, तो वो लोग इसको बढ़ा सकते हैं ड्यूटी फ्री का फ़ायदा उठा के। उसके जो ट्रेडर्स हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े जो प्रोड्यूसर हैं बांग्लादेश में फैक्ट्रीज के, वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो वो चाइना में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और इंडिया को भी उनको राज़ी रखना होगा। चाहे बांग्लादेश को इंडिया के साथ भी रिलेशन अच्छे रखने होंगे ताकि इधर भी ख़राब ना हो मसला, इधर भी ख़राब ना हो मसला। लेकिन ये बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और काफ़ी बड़ी बूस्ट मिल जाएगी अगर इनकी एक्सपोर्ट बढ़ जंप कर जाएंगी तो। मेरे ख्याल में अगर डबल भी हो जाती हैं तो बहुत फ़ायदा है बांग्लादेश को, लेकिन कर्ज लेने में, कर्जा लोन लेने में जो है ना वो थोड़ा सा हाथ खींच के रखना चाहिए बांग्लादेश को। इन्वेस्टमेंट ज़रूर आए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, चाइनीज़ कंपनीज भी शिफ्ट हो रही हैं बांग्लादेश में, और इस मैंने सुना ना पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि मेड इन बांग्लादेश प्रोडक्ट्स आएंगे अगले आने वाले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा, और क्योंकि चाइनीज़ कंपनी शिफ्ट हो रही हैं बांग्लादेश में, लेबर कॉस्ट कम पड़ेगी उनको, मटेरियल कम सस्ता मिलेगा तो वहाँ प्रोडक्शन सस्ती होगी, तो इसकी वजह से मेड इन बांग्लादेश चाइना का पहले ही जो है ना प्लानिंग है कि वो बांग्लादेश में कंपनी शिफ्ट करके वहाँ से प्रोडक्शन करें। तो ये भी उन्होंने जो है ना अपनी कंपनीज उनकी मेड इन बांग्लादेश प्रोड्यूस करेंगी और बाद में चाइना या दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट करेंगी, और ये भी प्लानिंग है। लेकिन ठीक है, बांग्लादेश को फ़ायदा होना चाहिए ना कि बांग्लादेश को नुकसान होना चाहिए, दोनों तरफ से इंडिया को भी साथ मिलाना चाहिए, रखना चाहिए। क्यों, इंडिया भी नेबर है तो वो भी हेल्प करता है बांग्लादेश की, सपोर्ट करता है बहुत ज़्यादा, तो बांग्लादेश को भी फिर ना चाइना के साथ रिलेशन ख़राब करने चाहिए ना इंडिया के साथ, क्यों, दोनों की आपस में ट्रेड भी होता है, बांग्लादेश और इंडिया की भी ट्रेड काफ़ी है, $1 बिलियन से ज़्यादा हो गई है। तो चाइना के साथ इनके डिफेंस कुछ डिफेंस का मटेरियल जो है वो भी खरीदते हैं आर्मी के लिए और नेवी के लिए, और जो डिफेंस बहुत सारा सामान जो खरीदा जा रहा है आने वाले सालों में और ज़्यादा चाइना से परचेज करेगा बांग्लादेश आर्मी के लिए, तो अपनी आर्मी को डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो ये एक वीडियो था, इसके बारे में मैंने देखा था टाइटल, तो मैंने लाजमी इसके बारे में देखते हैं कि क्या राय है। लेकिन देखो उन्होंने पत्ता खेला है, इंडिया भी अपना पत्ता खेलेगा, पाकिस्तान और नेपाल है, श्रीलंका है, इन सबको की तरफ अपना अपना दोनों ट्राई करेंगे कि सपोर्ट करें, देखते हैं अब क्या होता है आगे। ठीक है, लेकिन फाइट नहीं होनी चाहिए, बस जो भी हो डायलॉग से साथ और अच्छे तरीके से सोल्यूशन निकलना चाहिए। और आपकी क्या राय है एज ए बांग्लादेशी, आप अपनी राय ज़रूर बताएं कि आप इस 97% ऑफर से खुश हैं और इसको, इससे कितना ज़्यादा बांग्लादेश को फ़ायदा होने वाला है, और जितनी बांग्लादेश की प्रोडक्शंस हैं वो बढ़ जाएंगी, इनको प्रोडक्शन डबल करेंगे और एक्सपोर्ट्स डबल करेंगे तो फ़ायदा है, जितनी ज़्यादा एक्सपोर्ट होंगी उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आपकी क्या राय है और इसके बारे में ज़रूर बताइए, और मिलते हैं ऐसी किसी अच्छी से नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से टॉपिक पर, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। ठीक है, तो आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताइए, आपके कमेंट्स बहुत मैटर करते हैं। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके, तो प्लीज़ जो है ना सपोर्ट करें हमें ताकि हम आपके सामने और वीडियोस लेकर आ सकें। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।